नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंचे हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कन्हैया कुमार के स्वागत समारोह में हिस्सा लेने गए हार्दिक पटेल ने यह भी दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी, फिर 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि बिहार से दिल्ली का तख्ता पलट किया जाएगा। बता दें कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पिछले ही महीने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। वह बेगूसराय से चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। वहीं जिग्नेश मेवानी गुजरात की बड़गाम सीट से विधायक हैं और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक थे। बता दें कि बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल तीनों यहां प्रचार के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि जेडीयू विधायकों के निधन के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 23, 24 और 25 अक्टूबर को कन्हैया, जिग्नेश, हार्दिक पटेल तारापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद 26, 27 और 28 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में तीनों नेता वोट मांगेंगे। दोनों जगहों पर 30 अक्टूबर को मतदान होने हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। धन्यवाद।